तो गाइस अभी अभी जस्ट नहा धो के बाहर आए हैं, मतलब नहा के बाहर आया हूँ और उसके बाद ये भी नहा के आया है शिवा। तो फिलहाल मैक्लोडगंज एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे क्या क्या चीजें हैं, मतलब। सो गाइस अब नहा धो के निकल पड़े हैं कुछ खाने पीने, बढ़िया मार्केट वार्केट जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ से कुछ खाएं, कुछ पता तो है नहीं क्या खाना है, मतलब पता है क्या खाना है लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ से क्या खाना है। सबसे पहले मेरे को मोमोज खाने भाई, ये मोमोज खाएगा, मैं देखता हूँ क्या खाऊंगा। मेरा और वुमन का डिसाइडेड है, हम दोनों एक ही चीज खाएंगे। वुमन बता क्या खाएंगे? मटन भाई, मटन तो मैं भी खाऊंगा पर मोमोज। हम तीनों एक चीज खाएंगे और ये वही घास, यहाँ पे इतनी सारी घास होगी बढ़िया। दिल्ली में भी बैगन खा सकता हूँ, मैक्लोड में भी बैगन खा सकता हूँ भाई मैं हूं। तो ग्रास, इतनी सारी ग्रास भी तो है, वहाँ पे टेस्ट नहीं आया। वेजिटेरियन लोग मतलब घास खाएंगे, कोई बात नहीं। चलो बाकी निकल रहे हैं, हम आपको मार्केट वार्केट में दिखाते हैं क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। ओके, एक्सप्लोर कर ले पहले, हमारी तो पूरी एक्सप्लोर है, हम तो एक्सप्लोर कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो गाइस हम लोग थोड़ा सा रास्ता खो गए हैं और घूमते फिरते पता नहीं किन गलियों के अंदर आ चुके हैं। अब हम सोच रहे हैं बाहर कैसे निकले यहाँ से। तो बाकी गलियों की आदत है ना। ये देखना ये बंद पड़ा हुआ है यहाँ से, कहाँ जाएं? एंड किताब जाओ। अबे जाएंगे ना, गलत जगह आ गए तो फंस गए भाई। राफी यू टर्न मार, सिर्फ होटलों की बैक साइड ही दिख रही है। बल्कि हमारे सारे शिव को तो फायदा, मैं तो घास ही खा ले, हम क्या खाएंगे भाई। ये तो गलत हो गया, चलो बाहर का रास्ता ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं। गाइस अभी फिलहाल मैक्लोडगंज मार्केट में घूम रहे हैं, मतलब भीड़ तो ज्यादा है नहीं, मंडे है ना। किसी रेस्टोरेंट में आए हैं, किसी फूड ऑर्डर ले लो। क्या नाम है? जायका, पंजाबी जायका किसी रेस्टोरेंट में है। नॉनवेज मिल चुका है हमारे को फाइनली, तो अब फिर उसके बाद आए हैं, ऑर्डर करा है खाना, बहुत तेज भूख। तो गाइस अभी हम मेन मार्केट के स्क्वायर पे खड़े हैं, रोटी वोटी खा के बाहर आ चुके हैं। अभी फिलहाल कुछ स्वीट डिश ढूंढ रहे हैं। क्या सबसे फेमस यहाँ पे कुजींस वगैरह मिलते हैं? टिबेटन कुजींस। टिबेटन कुजींस अरे मोमोज वगैरह। आप सॉफ्टी खानी? सॉफ्टी खानी क्या? मर गया। दो ये खिला दो यार, खाली पैसे नहीं, खिला दो प्लीज। अरे खिला देंगे, ऐसी का टेंशन लेता है बाबू। हैं पैसे दे, दे रहे अभी हम भाई मेन मार्केट में। अबे यार यहाँ पे कुछ बढ़िया एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है क्या मैक्लोडगंज में? क्या होटल अपना? चलो होटल एक्सप्लोर करते हैं फिर। गाइस ये तिब्बतियन बहुत वर्ल्ड का फेमस और सबसे बड़ा मंदिर है। कौन बोल रहा है गलत? अफेक्ट तो सबसे बड़ा ही है भैया वर्ल्ड का, तो मैंने अब आज से हो जाएगा, मैंने बोल दिया था। हैं ठीक है, आपने बोल दिया, बना देखो ये कंजर आदमी ठंड में सॉफ्टी खाता हुआ। अबे कैमरे क्या कह रहे, खा ले अभी पीछे से मेरे को कह रहे हाथ मत लगा दियो, छोड़ खा ले। क्या खाएगा? इतना पाप कर रहे हैं मेरे साथ। तू तो क्या खाएगा? रेड बुल लेके दे, ले ले मेरे पैसे, मैं ठीक है यहाँ पे। सो गाइस फाइनली रीच द हॉस्टल या हॉस्टल जो मर्जी कह लो, तुम्हारी मर्जी है। और बाकी जा रहा हूँ अंदर, गोइंग इन साइट। आओ आपको आज रूम टूर दिया बढ़िया वाला, तीसरी बार दूंगा रूम टूर इस ब्लॉग में, तुम्हारे को देता रहूँगा। एक अच्छी बात दिखा दी हॉस्टल की। क्या देखो, जब भी एक्टिविटी लेके जाते हैं ना ग्रुप को सारे एक साथ, जब भी जाते हैं जी कैसे लिख देते हैं एक्टिविटी, दिखा कर लेगा। हाँ दिख रहा है एक्टिविटी टूडे, मतलब और भी बोल देते हैं, और बोल देते हैं ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहाँ हम जाएंगे बता देंगे हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। मतलब जो जो एक्टिविटीज करते हैं सब साथ करें, जो जो मतलब लोग पूरे हॉस्टल के अंदर रहने वो सारे मिलकर साथ एक्टिविटीज। हाँ तो गाइस ये चोर हमारे कमरे में घुसने की कोशिश करता हुआ, सब कुछ लूट। ये देखो भाई, ये शिवा पंटर का, ये वुमन पंटर का, ये नीचे शिवान बेटे का, ये ऊपर कृष्णा इनके डैडी का। ओके, और यहाँ पे ये अलमारी, मतलब जो भी ये लॉकर वॉकर है, मतलब ये उन लोगों के लिए जो हीरे जवाहर लेके आए हैं। और ये हमारा वॉशरूम, यहाँ पे अच्छी लाइटिंग है, स्पीकर पड़ा है। वॉशरूम मत दिखा, तुमने बहुत गंदगी करी है। बोल गेट ना खुल रहा। हाँ मतलब कुछ ऐसा है, मतलब पहाड़ों के सबसे सही है जगह। और अब आपको यहाँ से बाहर लेके चलूँ जरा, खोल इसको बैंस की आंख, सॉरी। यस गाइस अब इसको खोला, अब यहाँ से अभी फिलहाल आपको कुछ दिन ना सुबह आपको मजा आएगा, क्योंकि ये उधर वो धुंध है ना, सारे बादल नीचे उनके पीछे पहाड़ वहाड़ है। अब बैठेंगे अपना, जरा मजे लेंगे। ठीक है भाई, अब स्पीकर वीकर चलाएंगे। सो गाइस ये हॉस्टल का चिल जोन है, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, और बाहर तो ऑसम। ये बढ़िया रूफ है, यहाँ पे बैठ भी के जो मर्जी कर लो, बढ़िया है भाई। अभी शाम को यहाँ पे बढ़िया चिल करेंगे, लोग भी आ जाएंगे, मतलब जितने हॉस्टल के हैं ना यहाँ का, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ का ऐसा सीन है कि जितने लोग हॉस्टल के अंदर रह रहे हो सबके सब साथ मिल के इधर बैठेंगे, चिल करेंगे बढ़िया रात को, तो रात को और मज़ा आएगा मेरे को लग रहा है। और ऊपर वो देखो पहाड़, ऊपर का वो देखो, ये देखो, दिस इज वेरी गुड गाइस। दो मिनट पहले एक वीडियो देखी हमने, पहाड़ एकदम चमकते देख रहे थे, और अब देखो सब गायब, एवरीथिंग इज वैनिश्ड राइट नाउ। और ये बैठा हुआ है,
एवरीथिंग इज वैनिश और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है बस भाई। लेकिन सही है भाई, दो मिनट में सब गायब। तो गाइस फिर से थोड़ा हॉस्टल में बैठ के सो दो के खाने पीने निकल पड़े हैं। ऐसा लग रहा है मेरे को सब बंद हो चुका है क्योंकि हम लोग लेट हो गए, हम सो रहे थे ना। अब आप लोग सोच रहे होगे यहाँ पे आके भी, अरे सांस इसलिए चढ़ रही है पीछे बहुत चढ़े। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे आके भी तुम सो रहे हो, अरे भाई डेढ़ दिन से लगातार ट्रैकिंग करके ना थक गए थे, समझा करो। तो बहुत दिक्कत होती है, डेढ़ दिन ऊपर पूरा पहले पहाड़ चढ़े फिर उतरे, फिर अब देखते हैं कुछ खाने का, फिर वहाँ पर बात करते हैं। सो गाइस रात के 2 बजे हमारे को नया नया जोश चढ़ा है, सारे बढ़िया बैठे हुए हैं बातें कर रहे हैं। बड़े दिन बाद दोस्त यार मिलते हैं ना, मतलब मिलते तो डेली हैं, इतने अच्छे से बातें करते हैं। और कुछ लोग बातों के अंदर कुछ गलत भी करते हैं, कांड करा है इसने, कांड वो आपको ब्लॉग में मालूम पड़ेगा। तो लोग बाहर और शिवान बाहर आ गए यार, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, बैठते हैं। आ रहा तू, आ रहा तू क्या, मैं भी तो अच्छी हूँ। ये देखो गाइस मैं निकल में बैठा हूँ और बहुत बढ़िया आपको दिख नहीं रहे होंगे पहाड़ है, लेकिन बढ़िया पीछे होगा लाइट नहीं देता चल रही है। शिवान से मजदूरी करते हुए हालत बुरी हो गई। सो गाइस ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। वैसे तो आप सोच रहे होगे कि मैंने एक ही जैकेट पहनी हुई है हर व्लॉग में, अरे वहाँ से जब मैं वहाँ पे मतलब उसके ऊपर मैं जब गूगल कर रहा था वेदर इन मैक्लोडगंज और ट्रियन ट्रैक के ऊपर, तो 10-11 डिग्री टेम्परेचर दिखा था, मतलब होना 10-11 डिग्री था, पर यहाँ पे आके ना देखो जैसे एकदम से ऐसा मौसम बारिश वाला, तो अभी 1 डिग्री या 2 डिग्री टेम्परेचर है और ऊपर तो मतलब 0 डिग्री या पता नहीं जो भी था, कि मतलब हाथ सुन हो रहे थे वो तो मतलब अलग ही लेवल का सीन हो गया था। तो मैं जैकेट इस हिसाब से एक ही लेके आया कि जरूरत पड़ी तो पहन लेंगे, नहीं पड़ी तो नहीं पहनेंगे। तो यहाँ पे ठंड ऐसी बिना जैकेट के घूम नहीं सकता, तो मेरे पास जो ये जैकेट है इसी को मेरे को डेली पहन के घूमना पड़ता है, ये रीजन है। ये बाकी दिन अलग अलग ये कहीं तुम ये सोच रहे हो सारे ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। गाइस ये देखो हम जिधर बैठे हुए हैं, पापा बिस्की एक जगह, ये देखो हमारे सामने एक पापा बिस्की नाम की जगह है। हाँ और जैसा कि हमने कल रात को हम लोग अपने उसके अंदर बैठ के मैच भी देख रहे थे, एक चीज़ और हुई होगी वहाँ पे, मतलब हमने कल रात को एक बढ़िया सी न्यूज़ सुनने में, गौतम गंभीर विराट कोहली फिर से भिड़ चुके हैं और नवीन उलग पता नहीं जो भी सीन हुआ था, लेकिन मज़ा आ गया वीडियो देख के। बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर की गलती है ज़्यादा, गौतम गंभीर बल्कि ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था, विराट कोहली समझा नहीं रहा नहीं, लेकिन पूरे मैच में विराट कोहली ने उसको ज़्यादा टीज करा भाई, बनता था लास्ट मैच में देखा था तुम्हें क्या किया था। बाकी लेकिन देखो बाकी अब मालूम जो भी है, दोनों एग्रेसिव प्लेयर थे, दोनों बहुत बढ़िया प्लेयर थे। विराट का भी तो टाइम चल रहा है, फायदा हुआ है वो नवीन वाला, कोई जानता ना कुछ, मतलब बिल्कुल मतलब टीम से भिड़ गया, मतलब क्रिकेट का तो बिल्कुल फेम ले गया भाई नवीन वाला की ट्रिक में, जान लिया तुम खुश हो गया, सबसे फेमस आदमी से भिड़ लो, मतलब पूरे इंडिया के या पूरे एशिया के सबसे फेमस बंदे से भिड़ लो, तुम्हारे को कोई जानता नहीं होगा, सब जान जाएंगे, सब तुम्हारा नाम जान लेंगे। देख लो नवीन उलग का नाम इंस्टाग्राम पे पॉपुलर पे आ रहा है अब, बाकी जो भी हो कमेंट्स में बता दो भाई किसकी गलती किसकी नहीं, और ट्रिप का भी बता देना कैसी लगी तुम्हारे को। तो गाइस फिलहाल काकला निकले भूमेन नदी नदी विलेज और डाल अब पीसफुल विलेज है उसका नाम, मतलब नदी जो भी है, और बाकी पीछे हमारे वो भैया कैब वाले भैया चल रहे हैं वो रहे, उनके साथ हम कैब में जा रहे हैं। सो गाइस नाउ वी आर इन द नाडी, ये देखो लिखा हुआ है ना पीछे आई लव नाडी, वो पीछे ये ना वैसे सनसेट शो है, सनसेट वाला पॉइंट है ना, यहाँ से बहुत बढ़िया सनसेट, ये देखो पीछे मेरे देखो यहाँ से बहुत बढ़िया सनसेट देखने को आपको मिलता, बट मौसम ऐसा है, लेकिन हमने सोचा फिर भी हो आते देखे जरा ऐसा क्या होएगा यहाँ पे कि सनसेट यहाँ से देखेगा। गाइस फिलहाल हम अपने लक को गाली दें या किसको गाली दें, हम लोग यहाँ पे नदी विलेज आए हैं, बारिश हो गई, मतलब वेदर तो अच्छा हो जाता है बट क्या ही करे कुछ व्यू नहीं देखने भाई, ये हमारे जस्ट भाई मेरे जैसे बंदे कांप जाते हैं। सुनो भाई सुनो, अभी व्लॉग में दिखाया था कि यहाँ पे क्या कहते हैं शहर टाइप था, गाँव टाइप था, अब दिखा देगा पूरा गाँव ढक गया, गाँव दिखा दो 1,00,000 रुपए दूंगा आपका। अभी फिलहाल हमने सोचा बारिश में बैठे हैं यहाँ पे कवर मेरे को दे दिखा दो, तो मैगी ऑर्डर कर, बढ़िया मैगी बन रही है, पहाड़ों पे मैगी नहीं खाई तो फिर मजा किस चीज का। गाइस हमारा फूड आ गया, गाइस फूड आ गया, मजाक कर रहा हूँ, घूमो घूमो बढ़िया, जेट ब्लैक बकरिया मॉडिफाइड। गाइस देखो यार क्या लिखा हुआ है, देयर इज लव अ लिटिल स्पेस कैन ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ हर्ट्स, एकदम बढ़िया चीज लगी मेरे को। शिवान क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में जो लिखा हुआ बोर्ड पे, सब झूठा है प्यार वाले, सब झूठा है, पैसे कमाओ, मतलब हम नहीं कमा पा रहे तुम कमाओ, ये बात बड़ी ना सच, हम कमाएंगे टेंशन क्यों लेते तुम। तो गाइस ये है डल लेक, गाइस अब हम पहुंच चुके हैं डल लेक, जिसका हमने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा पूरी वर्ल्ड में, डल लेक डल लेक डल लेक, तो ये वाली डल लेक नहीं है, गलत समझ रहे हो तुम लोग, ये डल लेक पता नहीं यहाँ की कोई लोकल है जिसमें पानी भी पूरा नहीं भरा हुआ, आधी तरफ घासें हैं आधी तरफ पानी है, बस यही है यहाँ पे, और ये ऊपर वो थोड़ी पहाड़ पूरा कश्मीर वाली फील दे रहा है, बस वो वाली डल लेक मत समझो इसको, कि जो तुमने सुनी हुई है डल लेक जो कश्मीर में भी चल रही है यहाँ पे भी चल रही है, चाइना माइना पता नहीं कहाँ कहाँ चल रही है, वो नहीं है, ये तालाब वाली डल लेक है, इसको मैंने नाम दिया डल लेक, मजाक कर रहा हूँ, उन्होंने नाम दिया डल लेक, लेकिन वो वाली डल लेक नहीं है,
और आलू का मोमोज भी होता है। आलू का मोमोज भी आंटी सच्ची बताओ? अच्छा जी हमारे देखो आंटी बारिश हो रही है। सो गाइस अब कॉफी आ चुकी है। नहीं ये बात होता है कॉफी ली क्यों है रास्ता बताया जाए थोड़ा। जो भी है लोकेशन अच्छी है ना उसका मजा लेते गाइस। ये भी हॉट कॉफी आ चुकी है। शिवा अंदर गया हुआ वॉशरूम। अब तुम समझ गए वॉशरूम से कॉफी क्यों ली है। और भूमन अपनी कॉफी देखता हूँ और पीछे का व्यू दिखाता हूँ। अरे बनाते रहियो भाई। बस अब की लोकेशन है भूमन। लोकेशन एक नंबर है ना कॉफी सही गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी हमारी मतलब वॉल्वो आने में एक घंटा है कुछ। तो ये भूमन भाई को शॉपिंग करनी है अभी प्यूमा के आउटलेट में आ चुका है। क्या ले रहा भाई? इसके क्या टी शर्ट्स भाई हो? ये देख लो दोनों अक्षियों को। ये ब्लॉगर भाई साहब हमारे मॉल में भी टोपी पहन के बैठे भाई साहब। पूरा पेंगुइन लग रहा नहीं लग रहा सच बताओ। चलो कैसा भाई क्लोज अप आएगा। अबे रैंडम घूमने वाले लगने वाले यार। आएगा बेटा आएगा। सो गाइस अब दिल्ली चलने की तैयारी। दिल्ली के लिए निकल चुके हैं ये रहा। दिल्ली के लिए निकल चुके हैं मतलब निकल रहे हैं ये रही अपनी बस। ये रहे वो दोनों उधर बैठे हैं। तो गाइस अभी हम लोग आधे रास्ते चंडीगढ़ तक पहुंच चुके हैं और अभी हमारी मतलब जो भी हमारी वॉल्वो आधे रास्ते में रुके चंडीगढ़ के आसपास। तो अभी हमें किसी स्वीट पे रुके हुए हैं स्वीट्स पे और कुछ होगा अब कुछ खा रहे बढ़िया। उसके बाद फिर से जाके बैठेंगे फिर बस में सोएंगे फिर दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो इसी के साथ यहीं पे ये सीधी सेंड कर रहे हैं मुझे माफ़ करो। सो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं दिल्ली और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड कर रहे हैं। इस मनुष्य को देख लो कश्मीरी गेट के ऊपर खड़ा है। इस मनुष्य को देख लो और ये देखो धुएं से आपको मालूम पड़ गया होगा दिल्ली पहुंच चुके हैं। कोई आईडी दिखा देगा दिखाई। कोई ऑटो वाला हमारे को बिठाने को राजी नहीं है। चलो फिर ओके बाय बाय गाइस। सोने तो बड़ी नशेड़ी वाली नींद आ रही है।